इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। ओके, अब अंडरराइटर्स होते क्या है? अंडरराइटर मीन्स ए कॉन्टैक्ट बाय विच ए पर्सन एंड ग्रुप नोन एज अंडरराइटर। यानी कोई भी वो ग्रुप हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है जिससे कॉन्टैक्ट करती है। कौन करता है? कंपनी करती है। ये एग्रीज द यूजली फॉर द कमीशन। ये जो एग्री करते हैं कोई वर्क करने के लिए इजिली किसके बेसिस पे वर्क करते हैं? ये कमीशन बेसिस पे वर्क करते हैं। टू टेक द शेयर नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। वो शेयर लेते हैं अगर कंपनी ने शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी इशू की हुई है। अगर पब्लिक ने पूरी का पूरा शेयर नहीं लिया हुआ है तब की कंडीशन में वो शेयर को लेते हैं। द कंपनी मे इशू टू द अंडरराइटर्स। तो कंपनी क्या करती है, उसे इशू किसको करती है? अंडरराइटर्स को, इंस्टेड ऑफ पेइंग द कमीशन इन कैश। यानी उनके कमीशन के जो कैश में पेमेंट करना था उसकी जगह पे कंपनियां क्या करती है? शेयर इशू करती है। किसको शेयर इशू करती है? अंडर राइटर को। इस टाइप के जब भी कंपनियां शेयर इशू करती है तो पहले क्या एंट्री हो सकती है? अंडर राइटर को जब कमीशन दिया जाता है तब कंडीशन जनरेट क्या होगी? अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। यानी जब भी कमीशन ड्यू होती है तो किसके लिए होता है? अंडरराइटर को दिया जा रहा है कमीशन की, तो इसलिए उसकी पहली एंट्री क्या हो जाएगी? अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अब जो कंपनी ने ड्यू तो कर लिया कमीशन के लिए, कहां पे? कैश की जगह पे कंपनी क्या दे रही है उसको? शेयर दे रही है, इशू कर रही है, जिसके लिए उसने एग्री किया हुआ था कि पब्लिक अगर नहीं लेती है पूरा शेयर तब की कंडीशन वो क्या लेगी? वो शेयर लेगा, वो कमीशन बेसिस पे करा, तो पहले तो कमीशन ड्यू की, तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अब क्या हो रही है वहां पे? जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो शेयर इसको भी कंपनी किस टाइप से कर सकती है? एट पार पे या एट प्रीमियम पे। जब शेयर इशू कर रही है एट पार की कंडीशन में, तब कंडीशन में क्या जनरेटी होगी? अंडरराइटर्स, यानी कभी जब कंपनी कर रही है तो क्या जनरेटी होगी? किसको दे रही है? अंडरराइटर्स को। तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन द केस ऑफ एट पार, अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है अंडरराइटर को एट पार की कंडीशन में, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर यही शेयर कंपनी अंडरराइटर को किसमें दे रही है? प्रीमियम पे दे रही है, तब की कंडीशन जनरेट क्या हो जाएगी? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी जनरेट क्या हो गया? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इस टाइप से तो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है किसको? अंडरराइटर को। अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर का मतलब क्या हो गया? जिसने एग्री किया है किसी कंपनी के साथ, वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई ग्रुप हो सकता है कि अगर पब्लिक ने पूरे शेयर को नहीं लिया तो वो शेयर को ले लेगी। और ये मैक्सिमम नॉर्मली किस बेसिस पे वर्क करते हैं? कमीशन बेस पे करते हैं। जब कंपनी जब पूरे का पूरा शेयर इशू नहीं होती तब की कंडीशन में कंपनियां शेयर किसको इशू करती हैं? अंडरराइटर को। किसके अगेंस्ट में देती है? अगर जहां पर उनको कैश में पेमेंट करना था वहां पे कंपनी किसको दे रही है? शेयर इशू कर रही। तो शेयर दो पार्ट में हो सकता है, एट पार में और एट प्रीमियम पे। अगर एट पार पे हुआ तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे हुआ तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और इसके पहले क्या करती है कंपनी? जब भी करती है कि उसको क्या करती है? कमीशन ड्यू कर रही है तो उसके लिए क्या करती है? अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने जब भी तक देखा क्या क्या था, इशू शेयर करती है किसको? कंपनी इशू कर रही है किसको? वेंडर को, प्रमोटर्स को एंड अंडरराइटर को। अब इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।